हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल रंजन कोचर हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, अगर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये जो सरकार है त्याग और बलिदान को समझती नहीं है, इसीलिए वीर जवानों की शहादत में जो ज्योत जल रही थी उसे बुझा रहे हैं, बुझा तो नहीं रहे हैं सही मायनों में देखा जाए तो? देखिए, पहली बात तो जो लोग इसको पॉलिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी कोई सी भी हो, मैं दरखास्त करता हूं पूरे देशवासियों से इसको पॉलिटाइज ना करा जाए प्लीज। और ये गलत फहमी कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह की कोई पैदा ना करे कि फौजियों की शहादत हर कोई आदर करता है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, कोई मैं दिमाग से इनबैलेंस ही समझूंगा जो फौजियों की शहादत को अगर आदर समान ना करे। तो मैं काफी हद तक जनरल रंजन साहब की बात से सहमत हूं। अब बात ऐसी है कि देखिए 84,000 लोगों के नाम, जो शहीदों के नाम है, जो शहादत प्राप्त की थी पहले, वो तो है अच्छा, और उसके बाद जब ये 3,843 लोगों के नाम के उनके आदर पे ये अमर जवान जो वहां पे लगाई गई थी, जी हाँ, अब जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये एक वेलकम स्टेप है और एक बड़ा अच्छा स्टेप है। इसमें 26,466 जो फॉलन हीरोज हैं हमारे, जो शहादत प्राप्त करे इंडिपेंडेंस के बाद, पीस टाइम वॉर टाइम, इनके ऐसा मानना है कि जी हाँ, लोगों को सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। पहली बात तो कि भाई अगर वो मसाल बुझ गए या ये वो, तो जहां तक मेरा मानना ये है कि दोनों भी जल सकती हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, सवाल ये होता है कि अगर दोनों एक साथ जल रही हैं तो सेरेमोनियल परेड, सेरेमोनियल दोनों जगह पे एक टाइम पे एक ही टाइम पे नहीं हो पाएगी, ठीक है, मान ली ये बात, मैंने मान ली। मगर मेरा ये मानना है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि हो सकती है दो अलग अलग दिन अगर हम करें। अब सरकार ने जब ये निर्णय लिया, इसमें जाहिर बात है सरकार ने फौज को शायद निर्णय नहीं लिया होगा, तो मेरी दरखास्त है लोगों से कि जो भी गलतफहमी फैला रहे हैं, जो भी इसमें एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ना करें, क्योंकि ये एक शहादत की बात है, ये एक शान की बात है, और एक फौजी के लिए इससे बढ़कर शान कुछ हो ही नहीं सकती कि अपने प्राण देने के बाद, देश की रक्षा करने के बाद, आपका नाम आपके वॉर मेमोरियल में एस्ट हो, हिस्ट्री में हो, आपके खानदान वाले, आपके देशवासी सब आपका नाम सदा अमर रहे। तो इसके लिए ऐसी बात पे पॉलिटिक्स मैं सरासर बहुत ही बड़ा गुनाह, बहुत ही बड़ा पाप मानूंगा। कोई भी एक फौजी फौजी होता है, और जब वो देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है तो सिर्फ उसे देश प्रेम से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जैसे मेजर शाह साहब ने बताया, ये जितनी भी आपकी जो सेरेमनीज होती हैं वो एक ही जगह होती है, वो दो जगह आप सेम सेरेमनीज नहीं कर सकते हैं। मेजर शाह, चूंकि आप खुलकर बोलते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, मैं चाहूंगी आपकी, चूंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के ट्रोल्स होते हैं, और इस खबर के सामने आने के बाद भी इस फैसले की आलोचना की जाने लगी, कैसी कैसी टिप्पणी की जाने लगी, वो तो मैं बोलना अपने मुंह से नहीं चाहूंगी, लेकिन ऐसे लोगों को आप जवाब जरूर दें। और बिल्कुल ठीक बात तो है कि अगर भविष्य में शहीदों की शहादत को याद किया जाए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, या फिर शहीदों की याद में कोई कार्यक्रम रखा जाए, तो वो दो जगह ना होकर एक जगह होगा, सभी शहीदों को एक जगह रहकर याद किया जाएगा, वहीं श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस पर अलग अलग टिप्पणी आपकी ओछी सोच को दर्शाता है। दरअसल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, ये एक कहावत है, ये कोहिमा वर्ल्ड वॉर सेमेट्री में, जब मैं नागालैंड में पोस्टेड था, वहां पे लिखी हुई थी, अंग्रेजी में है ये, उसको मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसका मतलब तात्पर्य बोलूंगा। जब आप घर जाए, आप उनको हमारे बारे में कहेगा, ये कहेगा कि आपके को गवा दिया, तो ये होती है एक फौजी की शहादत। फौजी जब एक देश का, अपने देश लड़ता है, अपनी शान आन बान शान, नाम नमक और निशान के लड़ता है, अपनी जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाती लगाकर, अपनी जान पे खेल कर अपने मुल्क को बचाता है, इसलिए ताकि आगे जाके भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी, राजनीति या कोई सियासत या कोई आपस में एकता रहे, लोग लड़े नहीं। मगर यहां तो कमाल हो गया, ये तो एक कोई किसी काम नहीं, ये नहीं तो वो राजनीति पे, वो नहीं तो ये। भाई फौजी, फौज जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल सेक्युलर, ए पॉलिटिकल और सबको एक साथ लेके ले जाने वाली है। टीम स्पिरिट क्या होता है ये फौज सीखते हैं। अब जब फौज की शहादत हो जाती है, जब फौज के अक्सर हमने देखा होगा कि भाई राष्ट्र के सभी जनवरी आने वाला है, हम देखेंगे कि भाई गैलेंट्री अवार्ड राष्ट्रपति देंगे, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स
फौजी विधवाओं को, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप या कोई और उनके उनके ब्याह पे लेने आएगा, जो मरणोपरांत जो हमारे बीच में नहीं होंगे, आप सोचे उन पे क्या गुजरनी होगी जब वो लोग देखते हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल में या कहीं पे भी अपने घर वालों, अपने बेटे भाई का नाम देखेंगे वहां पे, उनको भी फक्र महसूस होगा, हमको फक्र महसूस होगा, हालांकि उन नाम को हम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम जब वो नाम पढ़ते हैं हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जब आप देखिए कोई भी लोग, जैसे आपने नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जब लोग आके इसी बात को लेकर एक सियासत खेलने लगते हैं, मेरे को बहुत शर्म आती है कि भाई क्या यही चीज है जहां पे जनरल रंजन कोचर साहब, मैं और हम जैसे अक्सर बहुत फौजियों ने अपनी जान जोखिम में लगाई थी। हाँ। क्या यही राजनीति देखने के लिए कि लोग आके राजनीति करेंगे इसके ऊपर और इस मौके का फायदा उठा के, एक जैसे मछली की बेट होती है उस तरह की खेल। बिल्कुल ठीक कहा आपने मेजर शाह, एक फौजी सिर्फ फौजी होता है, उसकी पहचान होती है फौजी। ये बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए रंजन कोचर जी और मेजर अली शाह इस डिस्कशन में शामिल रहने के लिए। आज ही वो तारीख है जब अमर जवान ज्योति को विलीन किया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योत में।